आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑनलाइन प्रिपरेशन फॉर जेई एंड नीट एग्जाम। तो हम इसमें ये जानने वाले हैं कि ऑनलाइन कोचिंग का बेनिफिट कैसे उठाया जाए और मैक्सिमम जो है इसकी इसको लेते हुए हम कैसे अपनी सफलता को इंश्योर करें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि लेट अस अंडरस्टैंड द डेटा ऑफ क्लासरूम कोचिंग इन कोटा। तो जैसा आप सबको पता है कि कोटा कोचिंग बहुत फेमस है जेई और नीट एग्जाम्स के लिए और हजारों बच्चे साल भर ठीक है यहाँ पर जो है आते हैं कोचिंग करने के लिए और हर साल जो है बहुत अच्छी संख्या में बच्चे सेलेक्ट होते हैं, टॉप रैंक्स लेके आते हैं। तो कोटा की जो स्पेशलिटीज के बारे में आप सब लोग जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कोटा आने वाले लगभग हर 8 बच्चे में से एक बच्चा जेई एडवांस में सेलेक्ट होकर जाता है और अगर हम जेई मेन के बारे में बात करें तो लगभग 10 में से 6 बच्चे जेई मेन में सेलेक्ट होते हैं। अब देखिए ये रिजल्ट जो है ये देखने में आपको ऐसा लग सकता है कि ये रिजल्ट बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, कायदे से रिजल्ट होना चाहिए चाहे ज्यादा, क्योंकि इस चीज के लिए बच्चे जो है कोटा में आ रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कि 1 out of 8 students इज सेलेक्टेड इन जेई एडवांस तो ये रिजल्ट अपने आप में थोड़ा सा अलार्मिंग साइन है कि ऐसा क्या कारण है कि बच्चे बाकी 7 बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, उनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। अब कोटा में जब बच्चे आते हैं तो मैं मानता हूं कि हर बच्चा जो है वो अपने स्कूल का टॉपर होता है, तो बेहतरीन बच्चे जो है कोटा में लैंड करते हैं और उसके साथ वो 2 साल का जो है कोचिंग का फीस भरते हैं 3 लाख रुपए, और 3 लाख रुपए ही लगभग वो हॉस्टल की फीस के रूप में और मेस वगैरह की फीस के रूप में चुकाते हैं। तो कोटा में रहने का खर्चा, कोचिंग करने का खर्चा अपने आप में जो है लगभग 6 लाख रुपए है 2 साल तैयारी करने का, और बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, घर से दूर रहते हैं और ये माना जाता है कि पूरी तरीके से डेडिकेटली जो है वो इसी तैयारी के लिए ही कोटा में आए हैं। कोचिंग में उन्होंने एडमिशन लिया है तो बेहतरीन कोचिंग है जिन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस किया है कोटा में, और वहां पर रहकर उनको बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, टीचर उनकी तरफ से बेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए सोचने का प्रश्न है कि सारे बच्चे सेलेक्ट क्यों नहीं हुए, ठीक। तो इसका जवाब मैं दूंगा कि सारे बच्चे सेलेक्ट क्यों नहीं हुए। तो अगर मैं पहले आगे बढ़ने से पहले बात करूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कौन सा मीडियम बेस्ट है, तो एक वीडियो और है मेरा जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेरी पर्सनल ये राय है कि ऑफलाइन कोचिंग इज बेटर देन द ऑनलाइन कोचिंग, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग को आप अपने रिजल्ट के इंप्रूवमेंट के लिए, चूंकि कंपटीशन का दौर है, अगर आप दूसरों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो मेरा ये मानना है कि ऑफलाइन कोचिंग करते हुए आप ऑनलाइन कोचिंग को जो है एज ए सपोर्टिव सिस्टम रखो, यह आपकी रैम को इम्प्रूव करने में मदद करेगा, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ कि भाई ऑनलाइन कोचिंग करो ही नहीं, ऑनलाइन कोचिंग हम करें लेकिन ऑफलाइन कोचिंग के साथ, और इसको ये माने कि ये हमारे पास एक ऐसा टूल है जिससे हम अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं, हमारी रैंक हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक। तो आगे जो है मैं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन कोचिंग जो है उसमें अगर मैं देखूँ कि ये जो सिलेक्शन रेशियो के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यदि बच्चा ऑफलाइन छोड़ के ऑनलाइन में जाता है तो ये रेशियो और भी कम होगा, ठीक है ना, यानी सिलेक्शन के चांसेस जो है वो और कम होते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हम अगर परसेंटेज वाइज बात करें, जैसे मैंने कहा कि कोटा में आए हुए हर बच्चे का अगर मैं कहूँ तो 12.5% 12.5% बच्चा जेई एडवांस में सेलेक्ट होता है कोटा आए हुए बच्चों में। तो यदि ऑनलाइन कोचिंग के भरोसे अगर बच्चा रहता है तो ये परसेंटेज और भी कम होने वाला है, ठीक है। तो उसके क्या कारण है कि ये परसेंटेज कम क्यों होने वाला है? तो पहला कारण है कि यहाँ पर बच्चे का टीचर के साथ कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो जो एक क्लासरूम में आप बैठे होते हैं उसकी बात ही कुछ और होती है, उसका एनर्जी फील्ड अलग होता है। दूसरा, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिस्टम से आपको पढ़ा कर जो है होमवर्क अलॉट किया जा रहा हो, ठीक है। और तीसरा जो कारण है वो ये है कि होमवर्क का एक सिस्टमेटिकली जो डिस्कशन यहाँ पर संभव नहीं है। क्लासरूम में तो टीचर होमवर्क देता है, अगले दिनों बच्चों को देखता है, किसी की कॉपी भी चेक कर लेता है कि भैया होमवर्क दिखाओ। तो ये जो होमवर्क देने वाला प्रोसेस है ये एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे का खुद का जो है काम करना इस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अगर हम कहें कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कि अगर हम ये कहें कि ऑनलाइन कोचिंग अगर हमें करना हमारी मजबूरी है या किसी भी कारणवश हम नहीं कर पा रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग,
तो फिर हम ऑनलाइन कोचिंग को यूज करते हुए इसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठाएं, ठीक है। तो हजारों बच्चों को कोटा में पढ़ाने के बाद, 15 साल का एक्सपीरियंस रखने के बाद, हमारी टीम ने जो है, जिसमें आईटी एजुकेटर हैं, उन्होंने एक स्ट्रेटजी डेवलप की है। उस स्ट्रेटजी को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और इसी को हमने नाम दिया है बेस्ट साइंटिफिक मेथड फॉर ऑनलाइन प्रिपरेशन फॉर जेईई एंड नीट एग्जाम, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, स्टूडेंट को यह समझना पड़ेगा कि जो सेल्फ लर्निंग है उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, यानी कि स्टूडेंट का रोल जो है वो लगभग 80% है उसकी सफलता में। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि जैसे कोटा में हजारों बच्चे आए लेकिन सिलेक्शन का परसेंटेज कम है, ठीक है, 12.5% ही जेईई एडवांस में सेलेक्ट हुआ, तो उसका कारण क्या है? ऐसा नहीं कि कोचिंग की कोई कमी थी, कोचिंग का सेट पैटर्न है, कंटेंट को सभी बच्चों को एक जैसा दे रहे हैं, क्लास में एक जैसा पढ़ाया जा रहा है, वहां कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो जो कमी है वो है सेल्फ लर्निंग की, यानी एक चीज जो है बच्चा मिस कर जाता है कि सेल्फ लर्निंग भी करनी होती है। अब जैसे अगर मैं हायर क्लासेस में देखूं, जो ऊपर टॉप के एग्जाम्स है, जैसे कैट है, जीआरई है, आईएएस का एग्जाम है, यहां ज्यादातर बच्चे जो है कोचिंग पे भरोसा ना करते हुए अपनी पढ़ाई के दम पर ही सेलेक्ट होते हैं। तो जब इतने बड़े एग्जाम्स में बच्चा सेलेक्ट हो सकता है, तो आईआईटी जेईई में क्यों नहीं सेलेक्ट हो सकता? तो उसका कारण यही कि हमें बच्चों को समझाना पड़ेगा कि सेल्फ लर्निंग का एक अपना इंपॉर्टेंस है। सेल्फ लर्निंग का मतलब यह है कि थ्योरी के लेक्चर अटेंड करने के बाद वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करे और मैक्सिमम टाइम घर पे डिवोट करे, दिस इज कॉल्ड अ सेल्फ लर्निंग। इवन थ्योरी भी वो पढ़ के सीख सकता है, लेकिन चूंकि अब हमारे पास अब इतनी सारी अवेलेबिलिटी है, वीडियो लेक्चर्स है, तो हम उस चीज का फायदा उठाए, ठीक है। तो थ्योरी के लिए वीडियो लेक्चर देखें और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। तो कोटा में सारे बच्चों के सक्सेसफुल नहीं होने का जो रीजन है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ लर्निंग को भूल कर सिर्फ कोचिंग पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि वो क्लास करके आते हैं और उसके बाद वो अपनी जो है, जो एजुकेशन है, जो अपनी प्रैक्टिस है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और जब प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे करके उनकी परफॉर्मेंस डाउन होती है, डीमोटिवेटेड फील करते हैं और फाइनली जो है वो एंड अप करता है कि सिलेक्शन फाइनली नहीं हुआ। तो जो हम बोल रहे हैं कि बेस्ट साइंटिफिक जो मेथड है, उसमें सबसे पहला कीवर्ड आपको ध्यान रखना है वो है कि सेल्फ लर्निंग, ठीक है, क्योंकि बच्चे का योगदान बहुत ज्यादा है तैयारी में, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स में इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो हमारे प्रोग्राम का जो पहला फीचर है वो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉर थ्योरी, ठीक है। तो हमारी ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें सबसे पहली चीज आएगी आपके पास कि प्लेलिस्ट बनी हुई है रिकॉर्डेड लेक्चर्स की, तो पूरा सिलेबस वहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फॉर्म में है। और मेरा ये मानना है कि रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो थ्योरी की समझ के लिए, थ्योरी के अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइव लेक्चर्स की तुलना में ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, ठीक है। अब ये चीज क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसकी वजह क्या है, ठीक है। तो इसकी जो वजह है, रीजन के बारे में हम बात करें, तो पहला रीजन है कि ये जो है आपका पूरी तरीके से एडिटेड है, यानी कि यहाँ कोई फालतू जो है बातचीत नहीं है, पूरा एक एक मिनट का यूटिलाइजेशन है। हम ये समझते हैं कि बच्चे के लिए हर मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लाइव क्लासेस में कई सारा टाइम बच्चों से बातचीत में चला जाता है। तो ये थ्योरी लेक्चर हमारे ऐसे तैयार किए गए हैं कि इसमें कोई जो है बीच में बातचीत नहीं है, पूरी तरीके से कोर कंटेंट पर फोकस किया गया, ठीक। तो पहला कारण मैंने आपको समझाया ये क्यों बेटर है। दूसरा है कि एक रियल क्लासरूम की फीलिंग अलग है। तो ये सारे वीडियो रिकॉर्डेड है बच्चों के साथ रियल क्लासरूम में, जिससे बच्चे को जो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि टीचर का एफर्ट भी ज्यादा होता है क्लास में। स्टूडेंट इसमें अपने पेस के हिसाब से लर्न कर सकता है, यानी कि जब भी उसकी सुविधा हो तो अपना शेड्यूल बना के उस हिसाब से लेक्चर्स को देख सकता है, उसको वेट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। अपनी सुविधा के हिसाब से बच्चा देखेगा, नोट्स उतारेगा, नोट्स लिखेगा और अपने सब्जेक्ट को तैयार कर लेगा। तो एक प्लेलिस्ट में मान लीजिए 8 लेक्चर हैं, तो अपनी सुविधा के हिसाब से 8 लेक्चर देखे और उसने नोट्स बना लिए अपने। अच्छा, हर लेक्चर में, लाइव लेक्चर में आपका कंटेंट डिफाइन नहीं है कि आज क्या होने वाला है, लेकिन हमारी प्लेलिस्ट में हर लेक्चर के साथ वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन है किस लेक्चर में क्या कंटेंट किया गया है, ठीक है। तो कोटा कोचिंग के अकॉर्डिंग जो है ये सारा कंटेंट हमने प्रिपेयर किया हुआ है और वहां पे वेल डिफाइंड है, ठीक। अब मैं दूसरा पॉइंट बात करता हूं कि रिकॉर्डेड के साथ हम लाइव क्लासेस भी इसमें रख रहे हैं, इस प्रोग्राम में लाइव क्लासेस, लेकिन हमारा है केवल डाउट और डिस्कशन के लिए। थ्योरी के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स है और लाइव क्लासेस है डाउट एंड डिस्कशन के लिए, ठीक। अगर मान लीजिए बच्चा रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि थ्योरी देखते समय उसको कुछ डाउट आए,
इन डाउट को दूर करने के लिए हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो लाइव आते हैं, और ताकि बच्चा उसमें बेझिझक अपने डाउट रख सके और उसका हम जवाब देते हैं, ठीक है। तो लाइव क्लासेस का पहला बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो स्टडी मटेरियल कोटा का दिया गया है, जब बच्चा उसको सोल्व करेगा, ठीक है, तो सोल्व करते समय कोई ना कोई दिक्कत उसको जरूर आएगी, तो वहां पर जो है लाइव क्लासेस में उसी कंटेंट का हम डिस्कशन करवाते हैं वेल डिफाइंड मैनर में, कि पहले से होमवर्क दिया जाता है और बच्चे को बता दिया जाता है कि ये डीपीपी इस दिन डिस्कस होगी, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि होमवर्क हम डेली दे रहे हैं और स्टूडेंट को एक टारगेट मिल रहा है, तो जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसको भी पता है कि यार मुझे ये डीपीपी करनी है, तो ये वाला मुझे प्लेलिस्ट देखना ही पड़ेगा। तो बच्चा पहले डीपीपी का जो है, डीपीपी करने से पहले प्लेलिस्ट देखेगा और उसके बाद अटेम्प्ट करेगा, दिक्कत आएगी तो वो लाइव क्लास में आके पूछने वाला है। तो दूसरा फीचर हमारा है कि इसमें हम लाइव क्लास डाउट और डिस्कशन के लिए ले रहे हैं रेगुलर, ठीक है, तो डेली क्लास इसमें होती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। तो ऐसा होगा कि 2-3 चैप्टर होने के बाद बच्चे का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को क्लियरली इवेल्युएट कर सके, ठीक। अब बात करें अफोर्डेबिलिटी की, तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है ये सबकी रीच में होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। तो हमने इस पूरे कोर्स का प्राइस जो है 6,000 रुपीज रखा हुआ है क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और यदि कोई बच्चा 11+12 दोनों करता है तो दैट इज 9,000 रुपीज। इस प्लान में अगर आप जो है इसको चेक करना चाहते हैं तो मंथली सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, तो 1 महीने का भी सब्सक्रिप्शन आप इसमें ले सकते हैं। अब इस प्लान को कैसे स्टार्ट करना है, तो इसके लिए आपको जो है न्यूक्लियन कोटा की मोबाइल ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से आपको डाउनलोड करनी होगी, और वहां पे आपको साइन अप करके ये कोर्स आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये मैंने ऐप के बारे में बताया, और थैंक यू एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम।